नमस्कार, माइका में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटो चिली सॉस, जिसके लिए मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1.5 किलो राइप टमाटो, कुछ फ्रेश रेड चिलीज और कुछ थाई बड़े चिलीज। अगर आपके पास थाई बड़ चिलीज नहीं है तो आप कोई भी स्पाइसी वाली रेड चिली यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा अदरक। सबसे पहले हम टमाटरों को अच्छी तरह धोएंगे, फिर उनकी आइज़ निकालते हुए उन्हें रफली चॉप कर लेंगे। हमें इन्हें प्रेशर कुक करना है, इसलिए बारीक ज़्यादा काटने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हम अदरक को भी धो के काट लेंगे। ये लाल मिर्चों को धो के उनकी डंडी निकाल के उन्हें भी चॉप करके इसमें डाल देंगे। इन्हें बाद में हमें छानना है, इसलिए इनके सीड या छिलके निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सिर्फ टमाटो सॉस बना रहे हैं तो आप इन लाल मिर्चों को स्किप कर दें। अब इसमें हम 1.5 कप पानी डाल के 3 विसल आने तक इसे प्रेशर कुक करेंगे। और अब इसे थोड़ा ठंडा करके हम हैंड ब्लेंडर से स्मूथ पीस लेंगे। और आप चाहें तो एकदम ठंडा करके इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब हमारा मिक्सचर पीस के तैयार है। अब इसे हम एक स्ट्रेनर से छान लेंगे, जिससे सारे बीज और छिलके एकदम इसके अलग हो जाएं। अब हमारा मिश्रण छन के तैयार है। अब इसे एक बार हम उबाल देंगे और जब उबाल आने लगेगा तब इसमें हम नमक डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिलीज डालेंगे। पर अगर आप टमाटो सॉस बना रहे हैं तो इस वक्त इसमें आप 2 टेबलस्पून नॉर्मल चिलीज जो आप यूज़ करते हैं वो डालें। तो इसी से आप टमाटो सॉस और टमाटो चिली सॉस दोनों बना सकते हैं। अब इसमें मैंने 1/2 कप ब्राउन शुगर डाला है, पर आप ब्राउन शुगर की जगह नॉर्मल वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो वाली शुगर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सॉस बनाने के लिए आप एक हैवी बॉटम का बर्तन यूज़ करें, क्योंकि जब सॉस गाढ़ा होने लगता है तो कई बार ये बॉटम में स्टिक हो जाता है। इसलिए आप हैवी बॉटम का बर्तन लें और सॉस को बनाते वक्त इसकी फ्लेम भी मीडियम टू लो रखें और इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें। अगर आपने जब ठीक अभी तो ठीक है, लेकिन जब बाद में ठीक हो जाएगा तो कई बार बॉटम में स्टिक हो जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपका सॉस का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये थोड़ा रिड्यूस हो गया है, करीब ये आधा हो गया है। और जब इतना गाढ़ा हो जाए तब इसमें हम 1.5 कप वाइट विनेगर डालेंगे। और विनेगर डालने के बाद आप इसे एक बार स्टर करें और उसकी पैन की हीट लो रखें। अब ये और काफ़ी गाढ़ा हो गया है, 10 मिनट और हमने पका लिया है। अब इसे हम कंटिन्यू स्टर करेंगे। अब इसे आप एक बार टेस्ट कर लें। अगर इसको आप में को इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है या तीखापन कम है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला है और डाल के इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने वो जो 1.5 कप विनेगर डाला था उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर अलग कर लिया था। अब उस 2 टेबलस्पून विनेगर में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालने से सॉस का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है और पानी और इसका जो गूदा है वो अलग अलग नहीं दिखता, और एक अच्छा सा इसमें शाइन भी आ जाता है। तो अब इसे मिक्सचर को हम डालेंगे और डालते वक्त हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो कई बार कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है वो बॉटम में स्टिक हो जाता है। इसलिए कॉर्नफ्लावर मिक्सचर डालते वक्त आप ज़रूर चलाते रहें और उसके बाद भी स्टर करते रहें, जिससे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अब हमारा सॉस लगभग बनके तैयार है। अब मैंने प्लेट में डाल के देखा है, आप देखिए इसमें से बिल्कुल भी पानी अलग नहीं हो रहा है और ये मिक्सचर भी स्लाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हमारा सॉस बनके तैयार है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हम इसे ओवरनाइट या कम से कम 8-10 घंटे ठंडा करेंगे, तब इसका कलर भी एनहेंस होगा और ये और थिक हो जाएगा। इसलिए इसे इस स्टेज पे और ज़्यादा थिक ना करें। अब हमारा सॉस एकदम बन के ठंडा होके तैयार है। आप इसका टेक्सचर देखिए और कलर देखिए। इसमें ना कोई कलर डाला है, ना कोई थिकनिंग का कुछ आर्टिफिशियल चीज़ डाली है। अब इसे एकदम ठंडा होने के बाद आप बॉटल में रख के रेफ्रिजरेट करें। इसे आप फ्रिज में 4-5 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। आप इस सॉस को एक बार ज़रूर बनाएं और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।